Good morning, class 9. Yesterday we started the chapter The Little Girl. And I told you the summary of the chapter, that the chapter is about a small girl, a little girl, who is very afraid of her father. Sometimes it happens, we make a wrong image of our parents. Why? Because we feel that they do not love us. But is it so? You will read the story and you will come to know that this is not the case. This little girl whose name is Kejia, she is also very much afraid of her father because her father is very strict. He always scolds him and she is fearful of him, of his presence. Whenever he goes to office, she feels relieved and relaxed. Whenever he is in the home, at home, she is always afraid of him. She is not able to go to his room. So what happens here, you will come to know. So, और ये chapter आपको message भी देता है कि आपके यदि parents आपको डांटते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते. कई बार ऐसा होता है कि वो थके हुए आ रहे हैं, कई बार वो ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ और उम्मीद रखते हैं और आप ऐसा नहीं कर पा रहे. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ टुडे. आई शैल रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू इन हिंदी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. लिटिल गर्ल, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? केजिया. एंड ही हियर रेफर्स टू द फादर. पापा के लिए आया है ना. ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. फियर्ड मतलब वो डरती थी उसे, अवॉइड करती थी उनको, उनसे बचती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर. जब वो रोज ऑफिस जाते थे, उनके उसके कमरे में आते थे केजिया के, वो ही यूज टू एक्सप्रेस हिज लव टू द डॉक्टर. वो उसको किस करते थे, बट द किस वॉज कैजुअल किस. मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे प्यार करते हैं. वो भी बाय बाय कर देती थी पापा को. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिएज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. फेंट मीन्स धीमा पड़ना. कैरिज मतलब जब उनकी गाड़ी, जो कार थी उसकी आवाज़ जब कम आने लगती थी, शी यूज टू फील कि पापा चले गए अब. एंड शी यूज टू फील ग्लैड एंड हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ. उसे अच्छा लगता था कि अब डरने की जरूरत नहीं है. वो इतना अपने फादर से डरती थी. केजिया इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लव वॉइस इन द हॉल. शाम को जब वो ऑफिस से वापस आते थे तो हॉल में आके उनकी आवाज़ होता है लाउड. वो उसे बहुत बड़े से लगते हैं, जायंट जैसे लगते हैं, खतरनाक लगते हैं. और वो आते ही ना ऑर्डर्स देने लगते थे, इंस्ट्रक्शंस देने लगते थे. क्या कहते थे? ब्रिंग माय टी टू द ड्राइंग रूम. हैज़न्ट द पेपर कम येट? मदर गो एंड सी इफ माय पेपर इज आउट देयर एंड ब्रेक ही माय पिंक स्लीपर्स. हाँ, मम्मी को आके कहते थे कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, मेरे पेपर्स ले आओ, मेरे स्लीपर्स ले आओ. और केजिया क्या करती थी? केजिया मदर वुड कॉल टू हर. मम्मी उसको आवाज़ लगाती थी केजिया कह के, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक योर फादर्स बूट्स. कि उसका रूम ऊपर था, ऊपर से उसको बुलाती थी मम्मी और कहती थी कि पापा के आते शूज उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम. जो स्लो उसका मोशन है ना, वो धीरे धीरे चल के आ रही थी क्योंकि पापा के कमरे में जाने से डर रही है. और बहुत धीरे धीरे से ड्रॉइंग रूम में पापा बैठे हुए हैं, उसका दरवाज़ा खोलती है. वाई? बिकॉज शी इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ हर फादर. बाई द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे ही वॉज दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. स्पेक्टेकल्स आर द स्पेक्स. ये जो चश्मा मैंने पहना है स्पेक्टेकल है. जब वो वहाँ पहुँचे तो पापा हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने पहने हुए पुट देम डाउन लाइक दिस. और वो उसको स्टेयर करते हैं, उसको घूरते हैं थोड़ी देर के लिए. एंड दैट लुक वॉज टेरिफाइंग. वो डरावना सा लुक था, उसको डर गई पापा से. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? एकदम लगातार दो तीन बार पूछ रहे, कह देते हैं उसको कि मेरे बूट उतार दो. क्या तुमने एक गुड गर्ल की तरह से बिहेव किया, एक अच्छी लड़की की तरह से? अब वो बच्ची बहुत डरती है. दैट इज वाई शी स्टार्ट्स टू स्टैमर. स्टैमर होता है हकलाना. यहाँ पर स्टैमर के लिए दूसरा वर्ड आएगा स्टटर. व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली, जब आप
क्लियर नहीं बोल पाते हो, हकलाने लगते हो, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि डर की वजह से ही होता है। ऐसा ही होने लगा उसको, डोंट नो, कहना क्या चाहिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब फादर उसको कॉपी करते हैं, यू डोंट नो उसकी नकल उतारते हैं, क्या, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर इज द वर्ड फॉर स्टैमरिंग और हकलाना, हकलाना उसे हिंदी में कहते हैं कि तुम इस तरह से स्टटर करोगी ना तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी।